गाइस ये जो है सैंड पप्पी का स्ट्रैपर है और इसके अंदर क्या क्या सामान निकला है इस पाउच के अंदर वो भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यार एक इनका पावर बैंक निकला है, पावर बैंक की रीडिंग देख लेते हैं कितनी है। तो यार पावर बैंक जो है 5000 mAh का है, 5000 mAh का है। इसके अंदर 3 पोर्ट दे रखे हैं, ये तो उसके अंदर जाएगा, इसके अंदर लगेगा स्टेपर के अंदर, और बाकी जो है ये दोनों चार्जिंग के पोर्ट हैं छोटे वाले जो हैं दो, ठीक है गाइस। और अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ की, अगर हम इस पर आते हैं, यह है स्टेपर। स्टेपर का साइज़ यार थोड़ा बड़ा कर दिया है इन्होंने, पहले काफ़ी छोटा होता था, अब थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। और इस पूरे पर आप कहीं पर भी ये चिपका सकते हैं, चिपकने वाला जो होता है, पहले तो केवल कोनों पर चिपका सकते थे। क्या चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस हुए हैं इस स्ट्रैपर में। और अगर हम देखें तो इसके साथ जो है एक वायर दे रखी है, ये वाली वायर है जो इसमें लगेगी, यहाँ लग जाएगी ये। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके साथ भी एक छोटी वायर आई है। अब ये क्या है, पावर बैंक को जो है 5000 mAh का है, काफ़ी अच्छा इसकी बैटरी पैकअप है, तो इसको हम कहीं मोबाइल को चार्जिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए ही ये छोटी वाली वायर दे रखी है। अगर आप इमरजेंसी में इसको मोबाइल चार्जिंग में यूज़ कर सकते हैं, एक यहाँ लगाइए एक वहाँ लगाइए मोबाइल में, काम हो जाएगा। और इसमें जो है ना एक और चीज़ बेनिफिट है, मैं चला के दिखाता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ मैं क्या क्या इसमें दूसरा बेनिफिट मिला है इंस्टीड ऑफ पहले वाले कंपेरिजन में। और अब मैं एक दो चीज़ और दिखाता हूँ इससे पहले कि यार ये कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है इसके साथ में आई थी। खोल लेते हैं पहले पावर बैंक को, ये है पावर बैंक, और इसके साथ में इसकी कुछ डिटेल्स मेंशन है। हाँ एक चीज़ और बतानी थी, वो ये है कि इसको चार्जिंग कैसे करनी है वो भी हम देख लेते हैं। आप जो है एक तो पहले ये पढ़ लीजिए, यहाँ जो लिखा हुआ है कि ये 5V 2A का जो चार्जर होता है उससे इसको इनपुट देनी है, और टाइप सी वाला भी है, और आउटपुट जो है 5V 2.4 A मैक्सिमम वो जो उसमें जाएगी स्टेपर में जाएगी वो आउटपुट होगी, और 2 इनपुट दे रखी है इन्होंने। तो देख लीजिए आप, ये दोनों इनपुट हैं और ये जो है इसकी आउटपुट है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे ज़रा गौर मार लेते हैं एक बार, हाँ फोकस हो जा, ठीक है। तो यार इसका जो चार्जिंग टाइम है वो है 1.8 आवर्स 2 एम्पेयर के चार्जर से अगर आप करते हो, और अगर आपके पास कम एम्पेयर का है जैसे 1 एम्पेयर का है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, 3.6 आवर्स का टाइम लगेगा। वर्किंग टाइम हम देख लेते हैं, जब आप जो है हाई मोड यानी कि रेड वाले पे जो चलाओगे तो इसको 1.3 आवर्स चलेगा, और उस पर जब चलाओगे आप ब्लू वालों पे चलाओगे तो 2 घंटे चलेगा, और वाइट वाले पे चलाओगे तो ब्लू वालों पे चलाओगे तो 2.5 घंटे चलेगा, और वाइट वाले पे चलाओगे तो 2 घंटे चलेगा। और इसका टेम्परेचर देख लेते हैं, लाल वाले पे इतना रहता है और मीडियम मोड पे इतना रहता है यानी कि जो वाइट वाला मोड है, और लो मोड पे जो है 50 डिग्री रहता है। मैंने आपको ये भी दिखा दिया कितने टाइम आपको चार्ज करना है, बाकी ये जो है भी अपन करके देख लेते हैं। ये जो है गाइस मैंने सैंड पॉपी स्ट्रैपर को लगा लिया है, साथ में इसका पावर बैंक कनेक्ट कर दिया है। अभी इसकी क्या है, ये मज़ेदार चीज़ ये है कि इसकी बैटरी यहाँ शो कर रहा है, तो इससे हमको आइडिया लग जाएगा 3 इसकी लाइट चल रही है, इसका मतलब 3 पॉइंट्स इसकी बैटरी है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है और अच्छा लग रहा है बैटरी का लुक, ठीक है ना। तो गाइज अब हम देख लेते हैं इसको स्टार्ट करके, स्टार्ट करने के लिए हम बटन दबाएंगे 5 सेकंड तक। मैंने इसको 5 सेकंड तक दबा दिया, तो गाइज ये जो है स्टार्ट हो चुका है 5 सेकंड तक दबाने के बाद। और अभी ये जो है रेड मोड पे है, रेड मोड पे मतलब ये जो 70 डिग्री की मैक्सिमम हीटिंग कर सकता है ये, अभी ये गर्म हो रहा है धीरे धीरे, मैंने बांध रखा है इसको, साथ में ये लगा ही रखा है। अभी थोड़ी देर इसको गर्म होने देते हैं और फिर वाइट मोड पे करेंगे। अब इसको कन्वर्ट करते हैं वाइट मोड में, एक बार बटन दबाएंगे, एक बार दोबारा दबाएंगे तो वाइट मोड में हो गया, थोड़ी कम हीटिंग करेगा अभी ये। एक बार दोबारा दबाएंगे तो ये ब्लू मोड में हो गया, ये थर्ड लेवल है, इसमें और भी कम हीटिंग करेगा, ठीक है। और बैटरी पैकअप आप देख सकते हैं, बैटरी इसकी काफ़ी जल्दी ड्रेन हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे। अब इसको थोड़ी देर ट्राई कर लेते हैं पहन कर,
कि ये सही में ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या इसका कंक्लूजन है। गाइज ये एकदम ठीक काम कर रहा है अभी तक तो, और इसको अब हम दोबारा रेड मोड पे डालते हैं, थोड़ा गर्म होने देते हैं और फिर इसको बंद करेंगे। अब इसको 5 सेकंड तक दबा के रखिए और ये बंद हो जाएगा। यही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।